सत्राजित की पत्नी ने सहेली को बताया, उसने दूसरी सहेली को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, सब तक ये बात फैला और ये बात भगवान कृष्ण के कान तक पहुंचा। भगवान ने विचार किया, हमें आज तक सबने माखन चोर कहा है, लेकिन आज पहली बार कोई मड़ी चोर का आरोप लगा रहा है। भगवान को बड़ा बुरा लगा। तब भगवान कृष्ण जी महाराज अपने सैनिक को लेकर के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जैसे गए, प्रसेन का मरा शरीर पड़ा था। थोड़ा आगे गए तो एक शेर मरा पड़ा था। वहां से और आगे गए तो एक गुफा दिखाई दिया। भगवान सैनिक से कहते, आप लोग यहाँ इंतजार करिए, मैं भीतर जा रहा हूं, अगर 15 दिन तक वापस नहीं आया तो आप लोग चले जाइए, यहां से लौट जाना। जैसे भगवान कृष्ण भीतर गए, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभी तवात तच्छ्रुत्वा भ्यद्रवात क्रुद्धो जम्बवान बलिनाम बरह। जैसे कन्हैया भीतर प्रवेश करते हैं गुफा में, भालू की कन्या रोने लगी। जैसे भालू की कन्या जाम्बवती रोई, उसके रुदन का आवाज सुन के जाम्बवंत जी भीतर से आए और जैसे भगवान को देखा, पूछा क्यों आए। भगवान बोले, ये मड़ी को लेने के लिए आया, क्योंकि मेरे ऊपर मड़ी चोर का कलंक लगा है, आरोप लगा है। अपने सिर से ये कलंक को मिटाने के लिए ये मड़ी लेने आया है, मड़ी वापस दे दो, हम जा रहे हैं। लेकिन जाम्बवंत जी कहते, ये मेरी पुत्री का खिलौना है, कैसे दे दूं। अब जैसे मना कर दिया देने से, तो जाम्बवंत जी को क्रोध आया, भगवान को क्रोध आया। जाम्बवंत जी मड़ी देने से इनकार कर रहे हैं। भगवान बोले कि हर परिस्थिति में मड़ी में लेके जाऊंगा। अब दोनों में युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ। ये युद्ध जो है 28 दिन तक चला, लेकिन जाम्बवंत जी कभी किसी से हारे नहीं। इनको युद्ध में कोई हरा नहीं सका, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया। तब समझ गए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर साधारण होता तो मैं कब का हरा दिया होता। ये तो असाधारण है, ये परमात्मा है, ये वही मेरे राम है। अभी कृष्ण बन के आया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयना गंभीर है और इनके चपला विशेष। देखो, राम और कृष्ण दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर यह है, भगवान राम जी गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, बस इतना अंतर है। जैसे जाम्बवंत जी को पता चला, ये मेरे राम ही अभी कृष्ण बन के आए, तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, दंडवत किया, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको जानने में पहचानने में विलंब कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे जाम्बवंत जी चरण में गिरे, भगवान बोले कि देखो, मुझे मड़ी चोर का आरोप लगा है, ये मड़ी हमको वापस दीजिए। जाम्बवंत जी बोले कि प्रभु, आप मड़ी तो ले जाइए और साथ में मेरी कन्या को भी आप ले जाएं, मैं अपनी पुत्री रूपी मड़ी भी आपको प्रदान करना चाहता हूं। तो
तो आज भगवान कृष्ण जी के साथ में जंबवती का विवाह करा दिया गया। जंबवंत जी की पुत्री जंबवती का कन्यादान जंबवंत जी ने भगवान कृष्ण को दिया। तो इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जंबवती के साथ हुआ। तो उसके बाद जैसे मड़ी को लेकर के भगवान द्वारिका गए, सत्राजित को बुलाया, सत्राजित को कहा कि देखो हमने मड़ी चोरी तो नहीं किया था, परंतु आपने आरोप लगाया, इसलिए हम आपके मड़ी ढूंढ के लाए, अपना मड़ी रख लीजिए। अब सत्राजित को बड़ी शर्म आ रही है, भगवान को हमने बेवजह आरोप लगाया, जबकि उन्होंने चोरी नहीं किया था, वो ढूंढ के भी ले आए। और सत्राजित बोले, प्रभु क्षमा करिए, हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, आप ये मड़ी रख लीजिए, जैसे भगवान को दिया। भगवान बोले, हमको मड़ी नहीं चाहिए, आप स्वयं रख। तो आज सत्राजित कहते हैं, आप प्रभु मेरी पुत्री सत्यभामा को स्वीकार करिएगा। और जैसे कन्यादान किया, भगवान ने स्वीकार किया, भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। और आगे भगवान कृष्ण बोले कि मड़ी आप रख लो। सत्राजित बोले, प्रभु मड़ी तो आप ही को रखना पड़ेगा। भगवान बोले, मड़ी आप रखिए, इससे जो सोना निकलता है उससे हम लोग प्रजा पालन करेंगे। और इसी प्रकार भगवान अपने द्वारिकापुरी में बड़े प्रेम के साथ में निवास करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी बोले, भगवान के तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंद के साथ हुआ, पंचम विवाह जो है मित्र विंदा के साथ हुआ, षष्ठम विवाह सत्या के साथ, अष्टम विवाह भद्रा के साथ में हुआ, सप्तम विवाह भद्रा के साथ, अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो ये जो है भगवान के आठ विशेष पटरानी है, रुक्मिणी जी, माता जंबवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये आठ भगवान की विशेष पटरानी है। अब ये आठों रानियां द्वारिकापुरी में भगवान के साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक निवास करती हैं।